music. हेलो गाइज, सबसे पहले तो आपका इस वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज, अगर आप भी इस तरीके के शर्ट्स बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग रील्स है बिल्कुल ये, तो तरसती है निगाहें। इस तरीके की रील्स को बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम VN एप्लीकेशन। जब आप इसे ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली गाइज, यहाँ से आपको सिर्फ एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिससे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइज, यहाँ से मैं आता हूँ इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से एक फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी फ़ोटो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ से मैं फोल्डर में जाता हूँ और जिस भी फोल्डर में आपका फ़ोटो हो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ पर है फोटो जिससे हम स्टेटस को क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, एरो वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देना क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैंने कृष्णा भाई का फोटो सिलेक्ट कर लिया, आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओरिजिनल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके किसी भी रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ्रेम रेशियो आप सिलेक्ट करें जिस पर भी आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहें, ठीक है गाइस। अगर आप चाहें तो यही 9:16 रेशियो सिलेक्ट करें तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपके फोटो का एडजस्टमेंट नहीं होता तो आपको अच्छे से एडजस्टमेंट ही कर लेना है, मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सबसे ऊपर म्यूजिक का, आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है एस्टेक्स फ्रॉम वीडियो, सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना होता है। यहाँ से एडिट के सामने प्लस का आइकॉन मिलता है, इस पर क्लिक करना है, एस्टेक्स फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसका आपको म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपली आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, उसका म्यूजिक को आपको निकाल लेना है। म्यूजिक आ चुका है, उसका चूज पे क्लिक करना और यहाँ से आपका म्यूजिक आ जाएगा राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो गाइस म्यूजिक आ चुका है, उसके बाद आप फोटो की लेंथ को बढ़ा सकते हैं जितना भी म्यूजिक हो, तो इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है और जितना म्यूजिक है उतना रख लेना है, बाकी आपको फोटो को डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ से स्प्रेड कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको आना है कहाँ पर, जहाँ पर बीट आपको चला के देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाना होगा, यहाँ कहीं पे होगा बीट, ठीक है, यहाँ कहीं है। तो यहाँ से मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, स्प्रेड मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, पहले वाले पार्ट पे क्लिक करना है जो पहले फ़ोटो का पार्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से आ जाना है और सबसे जो लास्ट वाला फ़िल्टर है आपको इस पर क्लिक करना होगा, उसको इतना कर देना है, ठीक है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैक आ जाना है। तो ये वाला फ़ोटो ऐसा हो गया और ये वाला गजब का हो गया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, इस पहले वाले पार्ट पे क्लिक करना है, एफएक्स में जाना होगा। एफएक्स में जाने के बाद यहाँ से आपको हाइट वाला सिलेक्ट कर लेना होगा ये, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है पूरे जितना भी हो सके और इसको ले जाकर शुरू में कर देना है और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैक आ जाना है। ये यहाँ तक हो गया और पूरे फोटो में नहीं हुआ, लेकिन हमें फोटो में करना है, तो जहाँ तक हो गया वहाँ से हमें इसे ट्रिम करना होगा। तो मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ, फिर जो पार्ट हमें कटा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करना है, फिर से आपको हाइट पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको पूरी वीडियो में कर देना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैक आ जाना है। अब गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से दोनों फोटो पे आपके हो जाएगा, दोनों पार्ट पे, ठीक है, हो गया। अब गाइस यहाँ से आ गई ये वाला फोटो, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एफएक्स का, आपको उस पर क्लिक करना है, इस तरीके से स्क्रॉल करते रहना है और यहाँ से आपको एक मिल जाएगा, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, सिंपली जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा लगाना है मुझे, ये लगा सकते हैं, फिर आप ये लगा सकते हैं, मैं यही लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसको आपको आगे तरफ कर देना है और थोड़ा कम कर देना है, इतना कर देना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैक आ जाना है। बस गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, आपका म्यूजिक लग चुका है और आपका स्टेटस यहाँ से क्रिएट हो चुका है, जो भी रील्स वायरल थी, ठीक है। चलिए गाइज मैं चला के दिखाता हूँ। सिंपली आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना, ओके।